सो so, ये प्रोडक्ट मैंने परचेज किया था नायका की हॉट पिंक फ्राइडे सेल में जब मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया वाले ऑफर्स मिल रहे थे और मैं ये आपको सबसे पहले बता दूं अगर आपको इस प्रोडक्ट को परचेज करना है तो आप इसको ऑफर के टाइम पे परचेज करना जब बहुत अच्छी वाली सेल्स चलती हैं नायका के ऊपर एंड नायका से ही आप इसको परचेज कर सकते हैं और मुझे तो इतना ही पता है कि मैंने इसको नायका से परचेज़ किया है वाइटामिन इन फेस बेस विद शिया बटर वाइटामिन सी एंड ई ठीक है इसमें आपको शिया बटर मिल जाता है मतलब ये किसी भी स्किन टाइप के लिए बहुत सूटेबल रहने वाला है चाहे आपकी ऑयली स्किन है चाहे आपकी नॉर्मल है कॉम्बिनेशन है या ड्राई स्किन है ठीक है विटामिन एनरिच्ड फेस बेस यहाँ पे बाकी इसके इस बॉक्स पे ऐसी कुछ कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आपको मिलता है इसमें आपको तीन साइजेस मिल जाते हैं अलग-अलग ठीक है एक इसका सबसे मिनी साइज मिलता है जो कि आई थिंक एट या नाइन हंड्रेड रुपीज़ का आता है सेकेंड जो साइज़ है जो मैंने परचेज़ किया ये टू थाउजेंड रुपीज़ का आता है एक इसका फिफ्टी सिक्स हंड्रेड का सबसे बड़ा वाला साइज आता है जिसमें आपको फिफ्टी एम एल मिलता है तो मैंने अपने लिए ये फिफ्टी एम एल वाला साइज लिया था इसको ट्रायल एज अ ट्रायल पैक और uh, मैं आपको भी यही बोलूँगी अगर आप इसको ट्रायल पैक की तरह भी यूज़ करने वाले हो ना तो मैं आपको यही वाला साइज रिकमेंड करूँगी एज सच बिकॉज इसमें थोड़ी सी आपको क्वान्टिटी अच्छी मिल जाती है फिफ्टीन एम एल लाइक टू थाउजेंड में अच्छी मिल जाती है ठीक है और uh, इस अगर मॉइस्चराइजर की मैं बात करूं दिस इज लाइक अ फेस बेस जो कि अच्छे मॉइस्चराइजर का काम करता है फॉर नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप ठीक है अच्छे मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर का काम करता है बहुत अच्छे से किसी भी फाउंडेशन को अप्लाई करने से पहले अगर आप इस फेस बेस को अप्लाई करते हो तो आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से सीमलेसली आपकी स्किन के ऊपर ब्लेंड होता है एंड इसमें जो विटामिन सी है ई e है शीया बटर है वो आपकी स्किन को उसी के साथ एट सेम टाइम ये मॉइस्चराइज भी करता है जो एक फेस के ऊपर बेस बनाता है बहुत अच्छे से क्रीमी एक आपकी स्किन ना बहुत ज़्यादा लाइक प्राइमर की जैसी फील होती है वैसी आपको फील मिलती है बहुत ज़्यादा एक्सेस में ड्राई स्किन है तो ये शायद इतना सच आपको मॉइस्चराइजिंग ना लगे बिकॉज इसका जो अनदर मॉइस्चराइजर वाला वेरिएंट आता है वो आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में आपकी ड्राई स्किन है अगर अदरवाइज जिनकी नॉर्मल या ड्राई ड्राई टू नॉर्मल या नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन या ऑयली वाले के लिए बहुत बढ़िया ये मॉइस्चराइजर है एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ इन्वेस्टमेंट ठीक है जब भी मैं अब इसको बड़ा पैक ही इसका परचेज़ करूंगी बिकॉज ये मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा बिकॉज मेरी स्किन को कोई भी तरह का इसके साथ कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हुआ या मेरी स्किन ब्रेकआउट नहीं किया मेरी स्किन ने एंड इसकी अगर मैं फ्रेग्रेंस की बात करूँ ना इट इज़ सो रिफ्रेशिंग मतलब इसकी सिटरेस सी, लेमनी सी एक फ्रेगरेंस है बहुत ही ज़्यादा सूदिंग एक फ्रेगरेंस है इसमें ठीक है जो मुझे तो बॉडर नहीं करती बिकॉज एज सच मुझे फ्रेग्रेंसेज से बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है ठीक है तो फ्रेगरेंस तो है इसमें एक स्ट्रॉन्ग एक सिट्रसी फ्रेगरेंस है मतलब सब लोगों को पता ही है कि इसकी कितनी ज़्यादा हाइप है मतलब एवरी सिंगल ब्यूटी ब्लॉगर या किसी भी सेकेंड पर्सन से आप पूछ लीजिए कि जिसने इसको ट्राई किया है उसको ये पसंद आया है एंड डेफिनेटली मैं आपको ट्राई करने के लिए बोलूँगी अगर आपको ट्राई करना है इफ़ यू आर लाइक आपका भी दिल करता है बॉबी ब्राउन का ये इनरिच्ड फेस बेस ट्राई करने का विटामिन इनरिच्ड फेस बेस ट्राई करने का आपको ज़रूर से ट्राई करना चाहिए एक बार अगर आपको टू थाउजेंड वाला नहीं तो आप एट नाइन हंड्रेड वाला छोटा इसका ट्राई कर सकते हो अगर आप ब्राइट टू बी हो ना आपको एक अच्छा एक फेस बेस चाहिए डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करता है स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से uh, एक फेस बेस जो बनाता है विच इज़ लाइक सो गुड सो ये ना स्किन के ऊपर बिल्कुल भी आ, स्टिकी फील नहीं देता है विच इज सो गुड ठीक है कोई भी स्टिकीनेस नहीं रहती है नॉन स्टिकी इसकी फील है उसी के साथ बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है ये नहीं है कि बहुत ज्यादा ड्राई रहती है स्किन ठीक है बहुत अच्छे से बैलेंस बना के रखता है स्किन के ऊपर विच इज सो गुड तो अगर आपको ये फेस वेस ट्राई करना है वाइटामिन इनरेस्ट फेस वेस डेफिनेटली आपको एक बार इसको ट्राई जरूर से करना चाहिए बिकॉज इसकी जो भी हाइप है ना वो टोटली वर्थी है वर्थ इट है ठीक है तो डेफिनेटली अगर आपको ट्राई करना है गो फॉर दिस आई होप आप लोगों के लिए ये मिनी सा रिव्यू बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन करके अपना फीडबैक जरूर से शेयर करना आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय एंड टेक केयर